अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी के दूसरे भाग में सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं माता रेणुका की पवित्र झील की तरफ और देखते हैं वहां का खूबसूरत नजारा। रेणुका माँ कहने लगी है क्या, जो इच्छे जो दर्शन पाए, बात का था जो ठिकाना ऐसा जाना झील का विहंगम दृश्य निहारते ही बनता है। और उसके नाल की अंगूठी तैयार की जाती है। आप जगह जगह फिरे लेकिन काला घोड़ा बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। आपके बीच में लेकर आए हैं बाबा का तोहफा, जिसकी कीमत है केवल 10 रुपए। श्री रेणुका जी तीर्थ एक नारी आकृति वाली मानवाकार कुदरती झील है। यह 3 किलोमीटर लंबी तथा 2 किलोमीटर चौड़ी सुंदर सती प्राकृतिक स्वच्छ है, प्रकृति की आकर्षण स्थली है। इसके शीतल सुगंधित पावन जल में मछलियाँ वास करती हैं, जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाती है। अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी के दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता रेणुका के झील में स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है इस झील में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं भगवान परशुराम और माँ रेणुका जी के मुख्य मंदिर। ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है। तदुपरांत माता रानी के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है माता रानी का मुख्य मंदिर। चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन। चलिए अब आपको दिखाते हैं जिला सिरमौर की सांस्कृतिक धरोहर। चलिए चलते हैं रेणु मंच की ओर।
ये जिला सिरमौर के पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिनका वादन बकरास क्षेत्र के आए कलाकारों के द्वारा रेणु मंच पर किया जा रहा है। लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ विकासात्मक पहलू को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है। आइए नज़र डालते हैं सरकार के द्वारा लगाई गई अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियों पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ रेणुका। जय सिरमौर।